बस जीतना क्या, जब से इंडिया का मैच देखा तो वापसी मैंने देखना छोड़ दिया। क्या हो गया सर? कुछ नहीं होता, गेम ही थी। नहीं, इन्होंने हमारा दिल बहुत तोड़ा है। हमने अभी इसकी डीपी लगाई हुई थी। जमान खड़ा हो जाए क्या? फखर जमान पे टीम चलती है? बाबर आजम चूड़ियां पहन के आया या रिजवान ने चूड़ियां पहनी है या साउथ ने पहनी है या जितने भी प्लेयर्स हमने हमारे आए वो चूड़ियां पहन के आए हैं? हमें कैसे वेलकम करना चाहिए इनका? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं तो सोया हूँ। अब शेरों की फौज खड़ी करें और एक साइड पर आप कुत्ते की फौज खड़ी करें, ठीक है, और शेरों का जो सरदार है उसको आप कुत्ता बना दें। सबका कसूर है, कौन है ये किस्म का? आप सब खुसरे लेके गए हैं और क्या लेके गए? ना बॉलिंग इनकी अच्छी है, ठीक है, ना इनकी बैटिंग। जो बॉलिंग पकड़ता रहा बंदा उसको आपने आसमान पे उठा दिया, जिसको ये नहीं पता कि मैंने उस जगह पे फैसला क्या करना है। उस जगह कुछ भी नहीं किया। क्या किया हर्ष राव ने? सबसे ज्यादा स्कोर खाया। बैटिंग में तो बिल्कुल जीरो। सही है। बॉलिंग हरीश रऊफ बिल्कुल जीरो। एक महीना डेढ़ महीना तो शाहीन अफरीदी ने अपने जाया कर दिया टूर्नामेंट से पहले जी। तो वो क्या बॉलिंग करेगा? ये अगर मगर के चक्कर में हमें ना जाने जाके भी जलील ही हुए तो घर बैठ जाते इजीली, ठीक है। वैसे ही कह देते कि हमारी टीम इंजर्ड है तो सॉरी हम नहीं खेल सकते। जो इनका हाल देखे, ये देखे, हम अब समझे ये रोने वाला हाल है। इससे बेहतर तो सारे इंडिया का देख ले। कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी। एक रत्ती भर की भी होती है ना परफॉर्मेंस, वो भी नहीं दी। सिर्फ पैसों के लिए खेल, सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे। सिर्फ मतलब मुल्क के लिए कौन? आपने देखा ना कोई भी मैच मुल्क के लिए खेला? अरे ये मुझसे शर्त लगाते थे बाबर आजम ऐसे करेगा, बाबर आजम ऐसे करेगा, सबसे पहले हम सेमीफाइनल पहुंचेंगे। हाँ। सबसे समझे सबसे पहले हम बाहर ही निकले। ये खेल रहे हैं, वो बेचारे ने रोटी नहीं खाई, रो रहा है। मजीद इतना हमें दुख हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम को पता नहीं क्या हो गया। क्या गए दो स्कोर बनाया वापस आ गया, क्या जी हम अगले मैच में ऐसे कर देंगे, हम अगले मैच में ऐसे कर देंगे, हम इनको ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिल मेरा छन्नी छन्नी हो गया अंदर से। 10 बनाए 20 बनाए कैच दिया आउट हो गया। आज के मैच में क्या किया? और कितना स्कोर खा लिया? 288 से जीतना था, 288 से। तो फिर अगर मगर के चक्कर में ही बात यही है कि अगर आप ऐसा ही करना था तो पाकिस्तान में ही मगर मर जाते तो बेहतर था। ये पाकिस्तान ने तो इस दफ़ा पूरे मैचेस में एक में नहीं, आज चलो हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी थी कि पाकिस्तान शायद आज जीत जाएगा अच्छे रन। तो पाकिस्तान टीम ने बात की है कि फखर जमान खड़ा हो जाए। क्या फखर जमान पर टीम चलती है? बाबर आजम चूड़ियाँ पहन के आया या रिजवान ने चूड़ियाँ पहनी है या साउथ ने पहनी है या जितने भी प्लेयर्स हमने हमारे आए हैं वो चूड़ियाँ पहन के आए हैं? फखर जमान तुम खेलोगे हम खेलेंगे, ठीक है। एक पे डिपेंड थोड़ी करता है मैम। ये एक की आस रख के इन्होंने मैच की कंडीशन रखी थी कि हम जीतेंगे अगर फखर जमान खड़ा था। फखर जमान अगर टीम में ना होता तो फिर भी यही कंडीशन होती। सुबह से एक मेरा भाई है उसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी, हम देख रहे थे मैच उसके साथ बैठ, हम खुश थे। चलो यार पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला लिया, चलो अच्छा चेजिंग करेंगे, बैटिंग अच्छी करेंगे। बट जैसे वो खेल रहे हैं वो बेचारे ने रोटी नहीं खाई, रो रहा है। मजीद इतना हमें दुख हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम को पता नहीं क्या हो गया। किस मैच में जीते हैं ये बताए ना, किस मैच में आप इन्होंने ऐसा किया कि हमें पता चले कि हम जीत रहे हैं हम, या हमें कोई अच्छा पॉइंट मिले हम खुश हों, हमें पता चले भी यार अच्छा किया। इंडिया से जब से ये इंडिया से जा रहे हैं उसके बाद कोई भी मैच इन्होंने कोई भी अच्छा नहीं जीता, कुछ भी नहीं किया। क्या किया हर्ष राव ने? सबसे ज़्यादा स्कोर खाया। इतना ज़रा इतना अच्छा बॉलर है लेकिन फिर भी स्कोर खा रहा है। ऐसा ही है, जितना इन्होंने हमें डिस्पॉइंट किया हम क्या कर सकते इसमें? आपको क्या लगता है सर, जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है पाकिस्तानी टीम से क्या ये उम्मीद थी? नहीं भाई, हमारा बहुत दिल दुखा है। बहुत दिल दुखा है जी, इन्होंने हमारा दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ दिया, बस जीतना क्या। जब से इंडिया का मैच देखा तो वापसी मैंने देखना छोड़ दिया मैच, इंडिया और पाकिस्तान। वापसी दिल मेरा छन्नी छन्नी हो गया अंदर से। या तो ये बिक गए हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। या इनकी तबीयत खराब है, या हम बेवकूफ है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनके लिए टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। आज सारा वीकेंड इन्होंने बर्बाद कर दिया सर। ये अगर मगर अगर ऐसे हो गया तो हम जीत जाएंगे, अगर वैसे हो गया तो हम जीत जाएंगे, या अगर मगर में ही हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेलना था तो हम क्यों गए हैं? तो फिर अगर मगर के चक्कर में ही बात यही है कि अगर आप ऐसा ही करना था तो पाकिस्तान में ही मगर मर जाते तो बेहतर था। अब शेरों की फौज खड़ी करें और एक साइड पर आप कुत्ते की फौज खड़ी करें, ठीक है, और शेरों का जो सरदार है उसको आप कुत्ता बना दें और कुत्तों के सरदार को शेर बना दें, ठीक है ना। तो जो कुत्तों की फौज होगी ना वो शेरों की तरह लड़ेगी क्योंकि शेर उनका सरदार है, ठीक है। और जो शेर होंगे कुत्ता सरदार होगा वो शेर भी कुत्ते हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखें कि जब आप प्रैक्टिस के लिए आपके कैंप लगते हैं ना
तो आप टूर्नामेंट से पहले एक हफ्ता पहले कैंप लगाते हैं और आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, आप टूर्नामेंट से पहले शादियां करवाते हैं और उसके बाद आप क्या मैच करेंगे। एक महीना डेढ़ महीना तो शाहीन अफरीदी ने अपने जाया कर दिया टूर्नामेंट से पहले, तो वो क्या बॉलिंग करेगा जब आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इंडिया को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, न्यूजीलैंड को देखें, उनके तमाम क्रिकेटर्स बॉलर्स यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड पे खेले हुए लोग हैं, वो पढ़े लिखे खिलाड़ी हैं। हमारे यहाँ पे देखे हैं ना, जो बॉलें पकड़ता रहा बंदा उसको आपने आसमान पे उठा दिया, जिसको ये नहीं पता कि मैंने उस जगह पे फैसला क्या करना है, उस जगह पे मैंने खिलाड़ी को क्या बात करनी है। देखें कि आप लीडर जौन सा होता है ना, चाहे वो आप मिलिट्री का लीडर दे लें, चाहे आप वो किसी भी जगह पे लीडर दे लें, उसमें पावर होती है, उसके फैसले में पावर होती है। और जिस बंदे की बात ही कोई ना सुन रहा हो टीम में, तो वो क्या खिलाएगा, वो टीम नहीं खेल सकती। सर आपसे सवाल मेरा ये होगा कि कसूर किसका है आखिर, हम लोगों ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस की। सबका कसूर है, कौन है ये किस्म का, आप सब खुसरे लेके गए हैं और क्या लेके गए, कुछ भी नहीं। कोई भी टीम कोई भी प्लेयर ऐसा है किसी ने कुछ भी नहीं किया, सब बस अपने वो क्या 50 बनाओ, 2-3 स्कोर बनाओ, आ जाओ पैसे लिए आगे बस ठीक है, और क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। क्या ये मुल्क के लिए खेल रहे हैं? मुल्क के लिए, खुद के लिए, खुद का पैसों के लिए। ये अगर मगर के चक्कर में हमें ना जाने जाके भी जलीली हुए तो घर बैठ जाते इजीली, वैसे ही कह देते कि हमारी टीम इंजर्ड है तो सॉरी हम नहीं खेल सकते। ठीक है, अगर ऐसे ही खेलना था। सर कोई मैसेज देंगे किस तरह से, जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब तो कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं है, देखने के लिए कुछ नहीं रहा तो कहने का क्या बात है। क्या मैसेज देंगे, कैसे वेलकम करेंगे पाकिस्तानी टीम को? बस समझदार होंगे तो उनको समय लग जाएगा। कसूर सबका ही है, सबका है, ऑल ओवर टीम मैनेजमेंट जो करती है आपको सिलेक्ट करती है उसका कसूर है। ठीक है, जो आपको बताती है कि ऐसे बैटिंग करनी है, ऐसे बॉलिंग करनी है, उनका कसूर है। सिर्फ पैसों के लिए खेल, सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे, सिर्फ पैसों के लिए। मुल्क के लिए कौन, आपने देखा ना कोई भी मैच मुल्क के लिए खेला? ठीक है, कोई भी मैच ऐसा हो आम आम खा रहे हैं, 300-400 स्कोर खा रहे हैं और बना कितना रहे हैं, 120-130-140 ऐसे ही। इसमें आप किसके लिए खेल रहे हो, अपने खुद के लिए खेल रहे हो ना, ताकि हमारा स्कोर बढ़े, हम आगे ऊपर आए। बाबर आजम जो फर्स्ट अभी आप समझे बैट्समैन है, उसने क्या किया, किसी मैच में भी 50 से ऊपर ही, तो फर्स्ट भी नहीं रहा, फर्स्ट भी उड़ा रहे ना कहा है, आप 50 भी बना रहा, 10 बनाए, 20 बनाए, कैच दिया, आउट हो गया। आज के मैच में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, और कितना स्कोर खा लिया, 288 से जीतना था, 288 से, और 377 का स्कोर, अब हमारा कितना है, अभी 150 भी नहीं हुआ तो समझे सारे उड़ोगे। ये उम्मीदें लगाई हुई थी हमने तो, हमारी तो उम्मीदों पे पानी फिर गया। उम्मीदें पहले भी हवा में थी, उम्मीदें हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, पहले भी बाबर ने झूठ ही बोला सारी कौम से, अभी भी झूठ बोल रहा है। ठीक है, डिप्रेशन में हूँ मैं, ये हूँ मैं, वो तो भाई परफॉर्म क्यों नहीं किया आपने, इधर जो कह गए थे पिच पे जवाब दूंगा, आपने 9-8 दफा पिच पे जवाब दिया, क्या जवाब दिया आपने, देख लिया बाबर का जवाब। क्यों सर लेकिन आप हंस रहे हैं, मतलब पाकिस्तान वापस आ रहा है, घर आ रहा है, वो भी हार के, बस उम्मीद छोड़ दी है, बस अब नहीं जीत सकता ये, जब जैसे इनका बुरा हाल हो गया ना। ठीक है, इन्होंने ना बॉलिंग इनकी अच्छी है, ठीक है, ना इनकी बैटिंग, बाबर आजम ने कोई भी नहीं की इन्होंने। सर देखे ना जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम लोगों ने दी है, क्या हम डिजर्व भी करते थे सेमीज में जाना? कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी, एक रत्ती भर की भी होती है ना परफॉर्मेंस, वो भी नहीं दी। ठीक है, जो हम डिजर्व करते थे ना वो इन्होंने नहीं दी। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इस टीम ने क्यों परफॉर्म नहीं किया, किसका कसूर है? कसूर सबका ही है, सबका है, ऑल ओवर टीम मैनेजमेंट जो करती है आपको सिलेक्ट करती है उसका कसूर है। ये पाकिस्तान वालों का कसूर है, इन्होंने हमारा दिल तो बहुत दुखाया, बहुत दिल दुखाया, ये सारी टीम का यार, किसी ने भी कुछ भी किया आप बताए ना, बॉलर्स ने कुछ भी नहीं किया, शाहीन शाह अफरीदी किया, आप इतने अच्छे बॉलर हैं, आप हर मैच में 300-350 स्कोर खा रहे हैं, इंग्लैंड से आपने 330 जो 120-150 से ऊपर जा ही नहीं रही थी, किसी आप देख ले किसी मैच में भी, उसका क्या नाम है अफगानिस्तान ने कितना बनाने दिया इनको, ऐसे ही है 150 आई थिंक 150 था 160 था बस, और हमने इनसे भी 330 जो सबसे लास्ट टीम है,
जो सबसे लास्ट टीम है, जो सबसे पहले बाहर हुई है, उससे हमने इतना स्कोर खा लिया और उससे जीतना भी। एट रन से और फखर जमान भी नहीं चला आज, तो जीरो पे आउट, एक पे आउट, ये हुआ क्या है हमारे साथ? होना क्या है, बस हमें डिसअपॉइंट करना और क्या होना है। ऐसे ही है। कोई भी फखर जमान को पहले मैच में खिलाया, उसने कुछ नहीं किया, उसके बाद क्या है मामूल आपको रखा, कुछ भी नहीं किया, हर एक किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हम किसी का इसमें कोई कसूर नहीं, सब टीम का ऑल टू ऑल जितने भी प्लेयर है सबका कसूर है। ठीक है, आप देखेंगे इधर वाम सब किसी कोई भी मैच ऐसा हो, कोई भी मैच जिस जहाँ हमें लगे कि हम जीत रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ऐसे ही है। हम अब समझे ये रोने वाला हाल है, इससे बेहतर तो हम साउथ इंडिया का देख ले, वो कुछ कर रहे हैं, वो उनके बॉलर्स भी, उनके बैट्समैन भी सब कुछ वो कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं, हम बस क्या गए दो स्कोर बनाया वापस आ गया, क्या जी हम अगले मैच में ऐसे कर देंगे, हम अगले मैच में ऐसे कर देंगे, हम इनको ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर कहाँ गई हमारी नंबर वन बॉलिंग? हम लोग कहते थे हमारे नंबर वन ओडीआई टीम है, हम कहते थे हमारा बैट्समैन जो है बाबर आजम वो नंबर वन है, ये सारी नंबर वन चीजें कहाँ गई हमारी? कहाँ जाने, कुछ भी सब अपने समय लीगों में हर चीज अपने पैसे के लिए, और कारसरूफ है जो भी है, शहनशाह अफरीदी है, किसी ने भी कोई भी ऐसी विकेट ली हो, भी एक ओवर में दो ले ली हो या कोई भी ऐसा हो, ये देखे हमारे भाई भी ऐसे जो इनका हाल देखे, ये देखे बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या कह सकते हैं, ये हमारे भाई जो इतने बड़े फैन थे समय ले पाकिस्तान टीम के, और ये अब इनकी ये हालत है, तो हम इसमें क्या कर सकते, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो आपको बताती है कि ऐसे बैटिंग करनी है, ऐसे बॉलिंग करनी है, उनका कसूर है। ठीक है, और जो बॉलर है, बॉलिंग जो कोच है उनकी उनका कसूर है। ठीक है, उनको सही गाइड नहीं किया गया। ठीक है, और बैटिंग में तो बिल्कुल जीरो। सही है, बॉलिंग हारिस रऊफ बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। हाँ, मैं क्या कह सकता हूँ, इधर ये देखिए हमारे भाई बाबर आजम के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े, ये मुझसे शर्तें लगाते थे बाबर आजम ऐसे करेगा, बाबर आजम ऐसे करेगा, सबसे पहले हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। हाँ। सबसे समझे सबसे पहले हम बाहर ही निकले, यही चीज हुआ, ये देखे भारत देखे। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हो गया सर? कुछ नहीं होता, गेम ही थी। नहीं, इन्होंने हमारा दिल बहुत तोड़ा है, हमने अभी इसकी डीपी लगाई हुई थी वो मैंने हटा दिया है, इसका इस वजह से हमारा बहुत दिल टूटा हुआ है, बहुत दिल। अब हम इनका कुछ नहीं होता, इस मैच में नहीं, इस दफा परफॉर्म नहीं कर पाए, अगली दफा परफॉर्म कर लेंगे। नहीं नहीं, अब हमारा इसको देखने का दिल नहीं करता है मैच, हमने इसे दिल से उतार दिया है, दिल से उतार दिया। क्या कहेंगे सर आप? अब मैच देखने का क्या फायदा, जो जो चीज हमें चाहिए थी वो तो हमें मिली नहीं ना। ठीक है, बात हमने वर्ल्ड कप में किसके लिए हम खेलते हैं सारा साल, सारे 3-4 साल किसके लिए खेलते हैं, ताकि वर्ल्ड कप में अच्छी हो, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। जब हमने वर्ल्ड कप नहीं जीतना, सबसे पहले बाहर रहना, ये चीजें, तो फायदा हमें क्रिकेट देखने का, इससे बंदा बच्चा अच्छा है, सुकून के साथ अपने घर बैठे, सुकून के साथ अपना खेले, चीज करे। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, और जो बॉलर है, बॉलिंग जो कोच है उनकी उनका कसूर है। ठीक है, उनको सही गाइड नहीं किया गया। ठीक है, और बैटिंग में तो बिल्कुल जीरो। सही है, बॉलिंग हारिस रऊफ बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। हाँ सर, आपको पता है हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, सबसे ज्यादा स्कोर खाया उन्होंने वर्ल्ड कप में, 48 साल हिस्ट्री वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर खाने वाले बॉलर बन चुके हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, गाइड करने वाला नहीं है कोई। ठीक है, आप भी देखती हैं और मैं भी देखता हूँ, तो आपके सामने ही है। हमें कैसे वेलकम करना चाहिए इनका? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, मैं तो सोया हूँ। सो रहेगी आप? मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।